हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल आई में। सर, जैसा कि देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल आई महामैराथन, तो जैसा कि महामैराथन चल रहा है, तो महामैराथन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी जो हम लोग रेगुलर जो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसका सेट आंसर होता है, उसके बाद जो कि जिस क्वेश्चन का होता है, उसका जो कि प्रॉब्लम होता है, उसका रिलेटेड जितना भी थ्योरी आता है, उसको थ्योरी को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, और टोटल रिवीजन करने की मतलब पूरी तैयारी रहती है, जिससे आपको मतलब नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और एक बार में टोटल कंट्रोल सिस्टम का रिवीजन हो जाए। तो देखिए, इस तरह से देखिए, सारा का सारा जो है सी यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, उसके बाद थ्योरी है, तो इस तरह से रिवीजन चल रहा है। तो आप अगर रेगुलर जुड़ करके रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, जिससे जब भी वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, आज का शुरू करते हैं, जो कि कंट्रोल सिस्टम का थ्योरी है और एक क्वेश्चन है, उसके बाद उसका थ्योरी देखेंगे। तो आज वही देखेंगे और आप सब जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए, अभी जो कि क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं और क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बीच ऑफ द फ्लो नोट कैरेटिक्स ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का कौन सा कैरेटिक्स नहीं है, तो उसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। इट इज इनकरेक्ट होता है, वो सही है। इट इज इकोनॉमिकल होता है, सही है। बैंडविड्थ स्मॉल होता है, ये भी सही है। तो इसका फीडबैक सिस्टम नहीं होता है उसमें, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, इसमें थ्योरी क्या कह रहा है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का तौर पूरा थ्योरी इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखिए क्या कह रहा है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कह रहा है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लूप पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी डायरेक्टेड बाय द ब्लॉक डायग्राम एज शो इन द फिगर। ब्लॉक डायग्राम इसका देखिए दिया गया है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक नहीं होता है। देखिए फिर नीचे कह रहा है, दीज आर द सिस्टम विच इज द कंट्रोल एक्शन। क्या है, विच इज द कंट्रोल इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट, किस पर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जो कि होता है सो आउटपुट पर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से हम भी पढ़ रहे हैं, आप सब ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे भी हम पढ़ते हैं तो उसका नोट्स यहाँ पर तैयार होते जाता है, जिसको हम एक बार देखते हैं रिविजन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कि है से फिर कह रहा है, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है ओपन लूप का। यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल में कहाँ यूज होता है, तो देखिए ट्रैफिक लाइट दिया गया है, ट्रैफिक सिग्नल, ब्रेड टोस्टर, स्प्रेकलिंग, ऑर्डिनरी वॉशिंग मशीन एंड द सिस्टम हैविंग द नो सेंसर, जिसमें सेंसर नहीं होता है, वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का टोटल देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि एग्जाम्पल होता है। फिर देखिएगा एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है। तो कह रहा है, एडवांटेज सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, सही है। डिजाइन कॉस्ट इज लेस होता है, कॉस्ट क्या होता है, लेस होता है उसका। एंड द मेंटेनेंस इजिली मेंटेनेंस किया जा सकता है, भी है नो प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। कॉन्वेंट मेजरमेंट व्हेन द आउटपुट ऑफ डिफिकल्ट टू मेजर, when the output is difficult to measure, convenient to measure, जो कि difficult होता है measure करने में, तो वो नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा था, convenient to measure when the output is difficult to measure, measure करना difficult होता है जहाँ पर इसको use किया जाता है। फिर disadvantage में कह रहा है, there are less accurate नहीं होता है, there are accurate dependent on the calibration, क्या है, calibration पर depend करता है। इट डज नॉट कंटेन फीडबैक, चार का आंसर सही हो जाएगा, फीडबैक सिस्टम इसमें नहीं रहता है। इसमें देखिए फिर चौथा जो कि डिसएडवांटेज क्या है, चौथा डिसएडवांटेज इज इनएक्यूरेट रिजल्ट ऑप्टेन किया जाता है, मतलब करेक्ट नहीं होता है उतना, इनएक्यूरेट रिजल्ट दिया जाता है। विद पैरामीटर वेरिएशन इन द सिस्टम, रिकैबिनेशन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम मेंटेनेंस एक्यूरेट, जो कि टाइम टू टाइम मेंटेनेंस खोजते रहता है, इसलिए इसका अनएक्यूरेट होता है। यहाँ पर देखिए फिर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता रहा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है।
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो कह रहा है इट द क्लोज पाथ क्या होता है, इट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिजाइन टू ब्लॉक डायग्राम एज शोन इन फिगर। ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, दिस आर द सिस्टम विच कंट्रोल एक्शन डिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है। दिस सिस्टम हैविंग द टेंडेंसी टू ऑसिलेट, ऑसिलेट होने का टेंडेंसी इसमें होता है। देखिएगा यहाँ ब्लॉक डायग्राम है और फिर ऊपर में देखते हैं कि और क्या इसमें दिया गया है क्लोज लूप सिस्टम में। यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या है, इनपुट रेफरेंस जो होता है ये है इनपुट रेफरेंस, यहाँ पे इनपुट रेफरेंस है और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोलर है, प्रोसेसर है, आउटपुट है और फीडबैक है। देखिए इनपुट को आर ऑफ टी से सूचित किया जाता है, ये एग्जीक्यूट करता है ई ऑफ टी से। एग्जाम्पल कहाँ पे यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल में ज़्यादातर यूज किया जाता है, उसके बाद स्पीड में कंट्रोल मोटर को यूज करने में किया जाता है, स्पीड कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। सिस्टम हैविंग द सेंसर ह्यूमन आई हाउस होल्ड रजिस्टर, ये सब क्या है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। एग्जाम्पल है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, ह्यूमन आई जो कि हो गया, हाउस होल्डिंग रेफ्रिजरेटर हो गया, सिस्टम हैविंग द सेंसर द मोटर को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। फिर देखिएगा नीचे जो कह रहा है एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट होता है, एडवांटेज है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन आर लेस, जो कि डिस्टॉर्शन इसमें बहुत कम होता है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन लेस होता है। द आउटपुट लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज विथ इन द सिस्टम, क्या होता है, द आउटपुट इज लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज विथ इन द सिस्टम, बैंडविड्थ क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए इसका एडवांटेज यहाँ पर दिया गया है, सारा कुछ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को लेस करता है, मोर एक्यूरेट होता है, द पावर आउटपुट लेस सेंसिटिव टू पैरामीटर चेंज विथ इन द सिस्टम, और फिर बैंडविड्थ भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। डिसएडवांटेज देखिए कह रहा है डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड, डिजाइन क्या होता है इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये भी होता है। फिर कह रहा है मोर एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, वो भी देखिए यहाँ पर कह रहा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो इन द ट्रांसफर फंक्शन, देखिए फिर नया क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नया में कह रहा है कि पोल्स एंड जीरो निकालने के लिए बोल रहा है ये क्वेश्चन से। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है पावर ग्रिड में, तो आप सब ध्यान दीजिएगा और अपना तैयारी करते रहिएगा। तो इसका देखिए पोल्स और जीरो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पे पोल्स बता दें कि पोल्स जो होता है, पोल्स जो हो जाता है नीचे वाला जो होता है पोर्शन, इसमें पोल्स होता है और ऊपर क्या होता है, ऊपर जो होता है से जीरो होता है। देखिए निकालते हैं और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या दिया है। तो क्या हो गया इसका पोल्स और जीरो, देखिए अगर नंबर ऑफ पोल्स कितना है तीन है और नंबर ऑफ जीरो क्या है वन है, तो तीन कैसे हो गया, तो देखिएगा ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो दो गो इसमें और एक इसमें, तीन को पोल्स हो जाएगा और जीरो क्या है एक ही है, तो एक जीरो हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया होगा, तो उसको देखते हैं पोल्स और जीरो क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ कह रहा है कॉन्सेप्ट दिया गया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज डिजायरेबल एज, इस तरह से होता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू और बटा इस तरह से होता है, जेड वन एंड जेड टू इज जीरो एंड ट्रांसफर फंक्शन एंड पी वन इज पी टू इज पोल्स हो जाता है। देखिए इस तरह से पोल्स और जीरो दिखा दिया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है, कह रहा था गिवन द ट्रांसफर फंक्शन, ये इक्वेशन दिया गया था, पोल्स जीरो का मान माइनस वन हो जाएगा, जो कि पहले ऊपर बता रहे थे कि ऊपर वाला क्या होता है जीरो होता है और नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसको क्या होता है पोल्स होता है। यहाँ पर देखिए पोल्स क्या है, जीरो प्लस जे टू दिया गया है, इसको सोल्व किया तो आ जाएगा जीरो एक होगा, इसका जो कि एस का मान जो होगा जीरो हो जाएगा, उसके बाद इसका जो कि क्वाड्रेट मान है, इसका अगर क्वाड्रेट मान को दीजिएगा तो यहाँ पर एस का मान जीरो कहेंगे और इसका मान जो कि जे प्लस टू हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से पोल्स और जीरो निकाला जाता है, तो पोल्स और पोल्स जीरो का मान एक हो गया और पोल्स का मान तीन हो गया। फिर देखिए यहाँ कह रहा था कंट्रोल सिस्टम भी, देखिए नया क्वेश्चन आ गया है, न्यू क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है द कंट्रोल सिस्टम विच द कंट्रोल एक्शन इज सम डिपेंडेंट आउटपुट इज नोन एज, जो कि आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, तो वो होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जो कि आउटपुट पर डिपेंडेंट होता है उसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब फिर देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम फिर से आ गया है, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का थियरी देखते हैं कि क्या क्या इसमें रहता है।
तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ओपन लूप क्या है, सिस्टम ओपन लूप सिस्टम में भी पढ़े भी थे हम लोग। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, जिसका जो कि आउटपुट फीडबैक नहीं होता है। डायग्राम दिया गया है इसका और इसी तरह से फिगर दिया गया है इसका। दीज आर द सिस्टम हिच द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ये क्या होता है, आउटपुट पर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ट्रैफिक सिग्नल में ओपन लूप होता है, वॉशिंग मशीन में ओपन लूप होता है, टोस्टर में होता है। सिस्टम हैविंग द नो सेंसर, जहां जहां सेंसर नहीं होता वहां ओपन लूप का यूज किया जाता है। इसका एडवांटेज अभी भी पढ़े थे, एडवांटेज देखिएगा, एडवांटेज वही है। दिस सिस्टम आर द सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होता है, सिस्टम इज इकोनॉमिकल होता है, मेंटेनेंस इजी होता है। यूजुअली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम प्रीमियल इन अस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है इसका। एंड देखिएगा, देखिए इन अस्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या हो जाता है कि इन अस्टेबिलिटी मतलब कि खुद ब खुद अस्टेबिलिटी में होता है, इसमें कोई एरर इस तरह से नहीं होता, लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में एरर भी होता है। द कॉन्वेंशनली मेजर टू वेन द आउटपुट इज डिफिकल्ट होता है। देखिए क्या क्या इसमें कह रहा है, कॉन्वेंट टू मेजर वेन द आउटपुट डिफिकल्ट टू मेजर, क्या है डिफिकल्ट होता है मेजर करना, इससे मतलब कॉन्वेंट टू मेजर डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट मेजर करना होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज का ही है, दिस सिस्टम आर द मोर एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होता है, रिलायबल नॉट एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं, रिलायबल नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है द एक्यूरेसी इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ कैलिब्रेशन, क्या है कैलिब्रेशन पर भी उसका एक्यूरेसी डिपेंड करता है। इन एक्यूरेट रिजल्ट विथ द पैरामीटर वाइब्रेशन, जो कि होता है विद इन द सिस्टम दैट इज इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। रिकम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल्स रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम मेंटेनेंस एक्यूरेसी, रिकम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल रिकम्बिनेशन रिकैलिब्रेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम टाइम टू टाइम मेंटेन एक्यूरेट, मतलब बार बार इसका रिकैलिब्रेशन किया जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कह रहा है द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिस्ट्रॉयड डिस्क्राइब्ड ब्लॉक डायग्राम, क्या ओपन लूप का दिया गया है, यहाँ क्लोज लूप का पढ़ रहे हैं, ओपन लूप का थ्योरी दिया गया है, ये क्लोज लूप का डायग्राम दिया गया है। दीज आर द सिस्टम हिच इज द कंट्रोल एक्शन डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंड करता है। दिस सिस्टम हैविंग टेंडेंसी टू ऑसिलेट करने का टेंडेंसी इसमें होता है। जैसे एग्जांपल कहाँ यूज किया जाता है, तो टेम्परेचर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर सिस्टम हैविंग द सेंसर, जहाँ सेंसर होता है उसको वहाँ यूज किया जाता है। यहाँ पर एडवांटेज की बात कर रहा है, तो एक्यूरेसी वेरी हाई होता है ड्यू टू द करेक्शन ऑफ एनी कैलिब्रेशन अराइजिंग एरर को निकाल देते हैं, इसकी वजह से इसका क्या होता है, अच्छा होता है। दिस सिस्टम आउटपुट लेस सेंसिटिव होता है। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग इफेक्ट नॉन लीनियर क्या होता है, दिस सिस्टम द आउटपुट लेस सेंसिटिव पैरामीटर चेंज विद द सिस्टम, सिस्टम के साथ चेंज किया जाता है। कह रहा है दिस सिस्टम हैविंग द हाई बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है, हाई होता है, हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जोन देन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसका बैंडविड्थ हाई होता है। उसके बाद कह रहा है ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्स क्या होता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्लोज लूप सिस्टम डिसे मोर क्विकली देन इन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो कि टाइम रिस्पॉन्स जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम डिस्टे क्विकली डिसे मन गिरता है बहुत जल्दी, जो कि ट्रांजिट रिस्पॉन्स जो होता है बहुत जल्दी गिरता है इन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेज उसी का दिया गया, डिजाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड मोर एक्सपेंसिव होता है, वैसी को दिया गया है। यहाँ पर उसका ब्लॉक डायग्राम बना करके दिया गया है, बीटा और अल्फा का मान दिया है। उसके बाद देखिए नीचे क्या कह रहा है, फिर नया क्वेश्चन आ गया, कह रहा है यहाँ न्यू क्वेश्चन आया था, इसको पढ़ना था हम लोग को, इसको ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। यहाँ देखिए ब्लॉक डायग्राम दिया, गिवन ब्लॉक डायग्राम तो किसका है, द यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज द पॉजिटिव फीडबैक, द
देखिए इसका जो कि फीडबैक देखना था किस तरह का फीडबैक है, तो यहाँ पे बिट्टा बराबर वन है यानी पॉजिटिव फीडबैक इसमें जा रहा था, यहाँ क्या है पॉजिटिव फीडबैक जा रहा था। तो यूनिटी फीडबैक तो ये वन है इसलिए यूनिटी हो गया, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक जा रहा था। फीडबैक क्या होता है फीडबैक के बारे में देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ जो हम लोग देखिए अभी पॉजिटिव फीडबैक के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन द शो इन द फिगर, फिगर दिया गया है पॉजिटिव फीडबैक का जो कि यहाँ पर पॉजिटिव दिया गया है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब कि डिसएडवांटेज है, इसका ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव का मतलब डिसएडवांटेज, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो बढ़िया ठीक है उसको मेंटेन किया जा सकता है। गेन बराबर जो कि आउटपुट बटा इनपुट होता है हमेशा, तो गेन बराबर देखिएगा एक्स आउटपुट बटा एक्स इनपुट हो गया, और गेन का फॉर्मूला देखिएगा पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा ए बट्टा वन प्लस ए बिट्टा हो जाता है। ए जहां पर देखिए क्या है कि ए जो है सो क्या है, ए जो है सो क्या है यहां पर देखिएगा कंट्रोल एक्शन दिया गया है, और उसके बाद बिट्टा तो बिट्टा गुना हुए एच ऑफ एस वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होता है उसी तरह से। यहां पर अगर पॉजिटिव फीडबैक द गेन इज द इंक्रीज, जब क्या है पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा तो गेन क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। गेन इंक्रीज करने का मतलब कि देखिए गेन इंक्रीज कब होगा, जब क्या होगा इनपुट जो होगा एक्स जो होगा इनपुट डिक्रीज करेगा, जब इनपुट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा गेन ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। कह रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक द गेन इज द इंक्रीज, गेन इंक्रीज करेगा द बैंडविड्थ इज रिड्यूस, बैंडविड्थ क्या हो जाएगा रिड्यूस कर जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके बाद कह रहा है द पॉजिटिव फीडबैक द एरर इज आल्सो डाइवर्जेंस होता है, जो आउटपुट क्या होता है डाइवर्जेंस होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द रीजनरेटिव, क्या होता है इसको रीजनरेटिव ही कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक को। पॉजिटिव फीडबैक को क्या कहता है रीजनरेटिव, मतलब जनरेट करता है। पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब कि सिस्टम में कोई एरर है, कुछ एरर है इसलिए कोई दिया रहा है पॉजिटिव फीडबैक एरर, तो क्या हो जाए जब एरर है तो उसको कंपनसेट करने के रीजनरेटिव किया जाएगा, तो इससे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है द सम ऑफ द गेन इज द फीडबैक इन द सिंगल फ्लो ग्राफ दिया गया है, सम ऑफ द गेन ऑफ द फीडबैक पाथ इन द सिग्नल इज द शो इन द फिगर। तो इसको कहला रंग रहा है क्वेश्चन मार्क को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखना है। यहाँ पर देखिए क्या इसका जो कि दिया आंसर जो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी डी हो जाता है, तो एफ कहाँ पे है कितना लूप बनेगा सिर्फ लूप का आंसर बता देता है। तो एफ यहाँ पर देखिएगा एक बन रहा है, उसके बाद बी ई बन रहा है दो गो, उसके बाद कह रहा है सी डी बन रहा है, तीन गो लूप बन रहा है, तीन गो फीडबैक सिस्टम इसमें है। तो कह रहा है द सम ऑफ द गिवन फीडबैक पाथ, तो तीन ही फीडबैक पाथ है तो इसको ही ध्यान दीजिएगा, फिर और तो कोई फीडबैक पाथ है नहीं। तो देखिए यहाँ पर और इसका जो कि थियोरी है उसको देखते हैं क्या कहता है थियोरी में। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है, कॉन्सेप्ट में द फीडबैक पाथ इज द कंसीडर्ड विद द वैलिड, क्या है द फीडबैक पाथ इज कंसीडर्ड एज द वैलिड पाथ ऑफ द नोड टच एनी सिग्नल नोटिस नोड ट्विस्ट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ कह रहा है कि द फीडबैक पाथ कंसीडर्ड वैलिड फीडबैक पाथ, वैलिड फीडबैक पाथ को कंसीडर करता है इफ डज नॉट टच एनी सिग्नल नोड विथ ट्विस्ट पाथ, मतलब दोबारा दूसरे में टच नहीं करता है ये कह रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए इसको फिगर फिर से दे दिया है, ओके फीडबैक पाथ इज द एफएफ डायग्राम इन द जो कि जो जो फीडबैक पाथ बन रहा है उसको देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो तीनों का आंसर दिया गया है। तो फीडबैक पाथ जैसे जैसे बन रहा है उसके नाम दिया गया है। देखिए सारा फीडबैक का जो कि दिया गया ए बी ई एफ इज नॉट वैलिड, देखिए सारा वैलिड करता है या नहीं करता है, यहाँ पर देखिए ए बी ई एफ जो कि वैलिड नॉट वैलिड फीडबैक ए बी ई एफ, ए बी ई एफ बन रहा है तो वैलिड फीडबैक नहीं है। उसके बाद बी सी डी नॉट वैलिड, ये भी इसी तरह से है, द ए सी डी नॉट वैलिड मतलब और कोई वैलिड नहीं हो रहा है, बन तो रहा है लेकिन फीडबैक वैलिड नहीं होगा इस तरह से। फिर अगर सो इतना जो किया होगा क्या होगा वैलिड होगा, द सम ऑफ द गेन इज द फीडबैक पाथ इन द सिग्नल इज ए एफ बी ई सी डी हो जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन देखिए आ गया भी, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ओपन लूप गेन, कह रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ओपन लूप सिस्टम
गिवन बिलो सेंसिटिविटी क्या होगा जो कि सिस्टम दिया गया है, गिवन बिलो सेंसिटिविटी, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ओपन लूप, ओपन लूप सिस्टम का सेंसिटिविटी कितना होता है, तो हमेशा वन होता है, इसको याद रखिएगा। ओपन लूप जो कि सिस्टम होता है उसका सेंसिटिविटी कितना होता है, तो वन होता है। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट में दिया गया है कि कॉन्सेप्ट में दिया गया है क्लोज लूप सिस्टम यहाँ भी बना करके दिया गया है, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए इसका थियरी क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए थियरी दे रहा है जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो जी ऑफ एस वन प्लस जी ऑफ एस ओएफ हो जाएगा, जो कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का दिया गया है। तो देखिए एच जो कि यूनिट फीडबैक वन है, तो सीधा क्या हो जाएगा, ई ऑफ एस बराबर आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस हो जाएगा। ई ऑफ एस जो कि कंट्रोल है, और सी ऑफ एस आउटपुट माइनस आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस इनपुट है, ये आउटपुट है, कंट्रोल है। यहाँ पर देखिएगा जो कह रहा था कि ई ऑफ एस बराबर निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए ट्रांसफर फंक्शन सीधा पूछते रहता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको नोट माइंड कर दे रहे हैं। सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस जो कि ट्रांसफर फंक्शन होता है, जी ऑफ एस अपन वन प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस होता है। देखिए इसको सॉल्व करके इस तरह से निकाला गया है क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लोज लूप का यहाँ पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन सब्सट्रैक्ट नंबर फ्रॉम द डोमिनेटर, डोमिनेटर से सबट्रैक्ट करके सिर्फ निकाल दिया जाता है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ लूप जो है एप्लीकेशन दिया गया है, गिवन दैट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो कि ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है उसका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन दिया गया है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पर एप्लीकेशन में दिया गया है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, देखिए एप्लीकेशन में 100 ओपन जो कि दिया गया है कितना, जो कि 100 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस एट और 100 दिया गया था। नंबर एक कितना हो गया, 100 हो गया, डोमिनेटर में ये दिया गया है। द ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखिए इस तरह से हो जाएगा, एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया था, डोमिनेटर हो गया था, ओपन लूप का क्या हो गया, ओपन लूप का इस तरह से हो गया। तो माइनस हो जाता है यहाँ पे, बस यही देखिएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या हो जाएगा, 100 अपॉन जो कि एस स्क्वायर प्लस 8s हो जाएगा, 100 को कैंसिल आउट कर देता है। गिवन ओवर ऑल द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका देखिए आंसर हो गया जी ऑफ एस अपॉन वन माइनस जी वन जी टू एच वन और जी टू एच टू हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह से देखिए निकाला है, तो जी वन जी टू निकाला है कि क्या हो जाएगा, जी वन दो को जी वन जी टू है तो दो को हो गया, जी अपॉन वन ऑफ एस जी ऑफ एस होता है ना, तो उसी का ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। यहाँ पर देखिएगा उसका मेंशन गेन फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिएगा द इट इज द टेक्निक टू यूज द फाइंडिंग द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, ये द फार्मूला इज द डिटरमाइन ट्रांसफर फंक्शन इन द सिस्टम मेकिंग द सिग्नल, इस तरह से सिग्नल फ्लो ग्राफ। मेंशन फार्मूला क्या कहता है कि मेंशन फार्मूला गेन इट शो द सिंप्लीफिकेशन और डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप निकालता है।